मैं ज्ञानति मीराम धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय यस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः महाबदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौर तुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वृंदाई तुलसी देवै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रददेवी सत्यवते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरि हरि हरे राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरि हरि हरे राम 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 हरि हरि। सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णुपाद अष्टोदर शत श्री श्री श्रीमाद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मध्य शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णुपाद अष्टोदर शत श्री श्री श्रीमाद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजुग प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गत कल हम लोग श्रवण कर रहे थे श्रीमान चैतन्य महाप्रभु सची माँ को, जैसे भगवान कपिल देव अपना माता देहूति को बड़े आत्मज्ञान प्रदान की थी, उसी तरह महाप्रभु भी अपना मैया को बड़ा सुंदर सुंदर उपदेश प्रदान किया। बोले इसलिए मैया ये जीवन पा करके भगवान की भक्ति करनी चाहिए, और भगवान की भक्ति नहीं करने से फिर जीव को 84 लाख योनि में भ्रमण करना पड़ेगा, फिर उनको जम जातना उनको फिर भोगना पड़ेगा। इसलिए मैया ये जीवन पा करके हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मैया भजन करना। इसलिए गतकल हम लोग श्रवण कर रहे थे श्रीमन महाप्रभु एक सुंदर उन्होंने श्लोक बताए, बोले अनायसय न मरणम बिना तन्ने न जीवनम अनयाराधित गोविंद चरणम कथम भवेत। कहते मैया तभी ये जीवन बड़े सुखमय आनंदमय तभी ये जीवन जा सकती है जब ये जीवन में भगवान की भक्ति करे। इसलिए भगवान की भक्ति किए बगैर माँ, लेकिन साधारण लोग तो सोचते हैं शायद ज्यादा पैसा कमा लेंगे तो सुखी हो जाएंगे, नहीं तो भैया रावण जगत में सबसे बड़े सुखी होता। बोले अच्छे कोई स्त्री से लड़की से सुंदरी किसी लड़की से शादी करने पर सुखी हो जाएगी, पत्नी का नाम थी मंदोदरी, एक से एक सुंदरी पत्नी, शायद अच्छा छोरा हो जाएगा तो सुखी हो जाएंगे। मेघनाद 1 लाख जिसकी बच्चे ही 1 लाख है, 1.25 लाख नाती है पुत्ते हैं। इसलिए यहाँ कहते बोले मैया ये जीवन तभी आनंदमय में चली जाएगी अगर ये जीवन में भगवान की भक्ति अगर कोई करे तो, और उनका जीवन अच्छे तरह से जाती है और अंतिम समय में मृत्यु उनकी अच्छी होती है,
बोले जो जीवन में भगवान की भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, इसलिए हरि विमुख कभी सुख नहीं पावा। भगवान से विमुख होकर के जीव को कभी शांति सुख मिलेगी नहीं। लेकिन यहाँ पर प्रश्न आता है, अभी भगवान की भक्ति होगा कैसे? तो उसका मार्ग चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, बोले एतेक भजह कृष्ण साधो संग करी, मने चीत कृष्ण माता मुखे बोल हरि हरि। बोले तभी ये जीवन में भजन होगा जब माता जी, जब जीवन में हम साधु संग करेंगे, जब साधु संग करेंगे तभी ये जीवन में भगवान की भक्ति हम कर सकते हैं। इसलिए बोले गोस्वामी जी कहते हैं, बोले बिनो सत संग विवेक न होई, बिनो सत संग विवेक न होई, राम कृपा बिनो सुलभ ना सोई, राम कृपा बिनो सुलभ ना सोई, बिनो सत संग विवेक न होई। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, बगैर साधु संग के जीव को भी विवेक नहीं होता है, और जब तक भगवान का कृपा नहीं हो तब तक जीवन में साधु नहीं मिलते हैं, साधु नहीं मिलते हैं। इसलिए यहाँ पर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद ये साधु संग की क्या महिमा और कौन सा शास्त्र में साधु संग की महिमा बताई गई, उन्होंने वेद पुराण उपनिषद से बहुत सारे श्लोकों को यहाँ उन्होंने कोटेशन किया है। इसलिए वो तो आप लोग सब ये जो श्लोक है ना काफी में लिख लेना, यहाँ से बहुत बढ़िया बढ़िया श्लोक, कितने कितने स्थानों से उन्होंने श्लोकों को उन्होंने एकत्रित किया है। साधु संघ की क्या महिमा, साधु संघ की क्या महिमा है, इसलिए यहाँ पर कहते हैं, क्या कहते हैं है? हरे कृष्ण बोले आतः आत्यंतिक खेमम पृछाम भगवत अन्यघा संसारे अस्मिन् क्षणार्थेऽपि सत्संगस्य वधनृणाम। यहाँ पर श्री नव जोगेंद्र का प्रति नेमी महाराज कह रहे हैं। इसलिए जिस समय श्री नव जोगेंद्र नेमी महाराज का दरबार में आए तब यहाँ पर साधु संघ की क्या महिमा श्री नेमी महाराज कहते हैं, बोले अतः आतंतिक खेमम पृछाम भगवत अन्नगा। बोले हे संतो, जो संपूर्ण रूप में पाप से मुक्त है ये संत लोग हैं, इसलिए आपको हम वह प्रश्न करते हैं, अतः आतंतिक खेमम। आतंतिक खेमम मतलब क्या है? कदे ऐसे कोई चीज भगवान से साधु से मत मांगो तो थोड़ी समय के लिए सुख मिले। पैसा नहीं पैसा नहीं पैसा मांगे, लेकिन पैसा आए तो भाई भाई में बहु बहु में लड़ाई और इतना झगड़ा हुआ, कोर्ट कचहरी मामला मकदमा शुरू हो गई हैं। इसलिए बेटा नहीं बेटा नहीं, बेटा हो गया खूब खुशी, लेकिन कुछ दिन बाद में बेटा ही बात नहीं सुनता है, बेटा बात नहीं सुनता है। और लोग तो कभी कभी कहते बेटा इससे तो बेटा नहीं होना ही अच्छा था। इसलिए बेटा होने पर एक दुख है, लेकिन बेटा होकर बात नहीं सुनता ना, डबल दुख है उसमें, डबल दुख। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं भगवान से ऐसे कोई चीज मत मांगो जो चीज कुछ दिन के लिए सुख। इसलिए यहाँ नेमी महाराज कह रहे हैं, कहते हे संतों आप कृपा करके बताओ। बोले क्या? बोले आतंतिक खेमो। आतंतिक खेमो का मतलब है जगत में ऐसे कौन सा आनंद है जो आनंद जीव को प्राप्त होने के बाद जीवन का भी दुख आता ही नहीं, जन्म जन्मांतर के लिए वो समस्त दुख कष्ट खत्म हो जाता है, ऐसे आनंद की बात हमें बताओ। कदे संसार अस्मिन् क्षणार्थेऽपि सत्संग सेवधनृणाम्। कदे इसी संसार में अगर एक क्षण अगर जीवन में साधु संग मिल जाए, संतों की सेवा मिल जाए, तो जीवन हमारी धन्य हो जाता है।
इसलिए गोस्वामी कहते हैं एक घड़ी और आधी से पुण्य आद तुलसी सतसंगत में नासे कुटी अपराध है। इसलिए बोले तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुला एक अंग। लंकिनी कहती है जब हनुमान जी एक मुक्का मारे बास हनुमान की एक मुक्का से उसका छक्का छूट गया। संतों का केवल दर्शन फेरे हाथ किस पर से होते ही बुद्धि बदल गई। वो कहती हैं एक तराजू लेकर के तराजू का एक तरफ में स्वर्ग से लेकर के हैं स्वर्ग मोह जन तप सत्य उसको पर ब्रह्म लोक ये लोक में जितने आनंद है तराजू का एक तरफ में धर लो तराजू का दूसरे तरफ में साधु संघ का एक क्षण एक लब समय अगर उस उधर धरा जाएगा तो उसमें इतना आनंद है इतना सुख है ये स्वर्ग से लेकर मुख्य तक भी उसका सुख को साथ में बराबर नहीं कर सकते हैं। इसलिए कद श्री माता देहूति का प्रति भगवान कपिल देव का उन्होंने क्या बताए बोले प्रसंगम अजरम पास आत्मनः कवय विदु सैव साधु सुकृत्य मुख्यदार मपाप्रितम। भगवान अपना माँ को कह रही हैं बोले मैया कद जितना आनंद का जो मूल है साधु संग है। इसलिए पंडित लोग क्या कहते हैं इसलिए जीवन में साधु संग करनी चाहिए। इसलिए मैया साधु संग से क्या होता है बोले साधु संग के द्वारा ये संसार का जो मुक्ति का जो द्वार है ये मुक्ति का द्वार खुल जाती है। लेकिन असत संग के द्वारा क्या होता है बोले अजरम पासम संसार का जो बंधन है ये संसार का जो बंधन ये और दृढ़ हो जाता है ये असत व्यक्ति का संग से। इसलिए हे मैया इसलिए मन एवं इसलिए संग ही जीवन में मूल ही जीवन में संग है। जैसे संग करेंगे वैसा ही रंग बदलेगा। इसलिए गुरु जी कथा सुनाते थे बोले एक समय कोई एक ब्याध ने एक घोंसले से दो तोते को पकड़ा और एक तोता किसी कारण से किसी साधु ने ले लिया और एक तोता एक चोर ने ले लिया। एक समय कोई एक राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में गया तो उसको बड़ी जोर से प्यास लग रहा था पानी ढूंढ रहा था। पानी ढूंढते ढूंढते जब एक देखा एक कुटिया जब वहां पर गए देखा घर को सामने एक पिंजरा है उसमें एक तोता है। वो राजा वहां पर पहुंचते ही पकड़ो पकड़ो मारो मारो हैं और गंदी गंदी गाली इसको गंदी गंदी गाली देने लग गया। राजा ने कहा भैया ये तोता होकर अगर ऐसे गाली देता है फिर माली क्या ऐसे ना होगा क्योंकि घर में तो चोर लोग रह रहे थे ना गुंडे दिन भर ही कहते मारो पीटो पकड़ो छीनो हैं। इसलिए वही सुन सुन करके वो वही याद कर दिया। राजा पानी क्या पियेंगे वहां से भागे ढूंढते ढूंढते देखा और एक कुटिया है वहां जब पहुंचे देखा वहां पर भी एक तोता लटका हुआ पिंजरा में। वो जाते ही तोता कहता है राधे राधे राम राम हरे कृष्ण आपको स्वागत हो आइए बैठिए मीठा पानी पीजिए। बोले वाह ये तोता इतने मीठी बोली बोलता है पर घर में ये साधु घर में जो मालिक होगा कितना अच्छा नहीं होगा। सचमुच से वहां पर जाते ही सचमुच से एक संत आए बड़े प्यार से उनको बैठाए मीठा पानी पिलाए बड़ी सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी उनको कथा सुनाई। तो ये दोनों तोता को पूछे भैया ये बताओ तुम दोनों ही तोता एक घोंसले से गए हो फिर तुम्हारी स्वभाव इतने परिवर्तन कैसे हो गया। बोले इसमें हमारी कोई दोष नहीं ये हमारी किसका दोष है ये हमारी संग की दोष। इसलिए साधु संग स्वर्गवास असत संग सर्वनाश। साधु संग स्वर्गवास और असत संग सर्वनाश। इसलिए शास्त्र में बताए साधु संग सर्व शास्त्र कहे लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है हैं। इसलिए सात मूल संग हैं जैसे संग करेंगे ठीक वैसे ही रंग बदलेगा। इसलिए राय रामानंद कहते हैं कृष्ण रस भाविता मति
क्रियताम कुतो अपि यदि लभ्यते तत्र लौल्य मूल्य मेकलम कोटि सुकृतिर अपि न लभ्यते। यहाँ पर राय रामन तो बहुत एक अच्छी बात कहते हैं, अगर किसी भाग्य से हमें ऐसे संग मिल जाए, कैसे बोले कृष्ण रस भाविता मति। गुरुदेव उदाहरण देते थे जैसे एक रसगुल्ला, अभी खाकर गए ना, क्या खाए राजभोग, इसलिए जैसे रसगुल्ला है नहीं, जैसे गुरुदेव उदाहरण जैसे रसगुल्ला, जैसे रुई भी, रुई को अगर पानी में डूबो दो ना क्या होगा, उसको कण कण में पानी, कण कण में पानी पस जाती, उसका समा जाती है। रसगुल्ला के कण कण में रस उसका अंदर में चली जाती है। कहते अगर ऐसे अगर हमें कोई भक्त मिले जिसकी कण कण में ही कृष्ण समाये हुआ हो, हैं? अगर कृष्ण रस भाविता मति, अगर उससे अगर श्रेष्ठ मिले राधा रस भाविता मति, जिनकी कण कण में श्री किशोर जी की, राधा रानी की प्रेम जिसके अंदर में समाये हुए, जैसे हमारे गुरु जी थे। लेकिन अगर ऐसे कोई हो जिसके कण कण में गौरांग रस भाविता मति, चैतन्य महाप्रभु का भक्ति रस में अगर कोई सरावर हुए उससे भी और श्रेष्ठ हैं। कहते अगर कुत्ता यदि लभ्य तो अगर कहीं भाग्य से मिल जाए ना, गुरुदेव कहते तो अगर सर काट करेगा अगर देना पड़े तो दे करके ऐसे संघ को ग्रहण कर लो, क्योंकि कहते भक्तिस्तु भगवत भक्त संगना परिजाय, जो भक्ति है भक्तों का संघ से मिलता है। और सुकृत ही पूर्व संचित ही पूर्व पूर्व जन्म का सुकृत साधु संघ मिलता है, है? मिलता है। अगर ऐसे अगर संग अगर हमें कहीं मिल गया तो है? सही अगर संग मिल गया तो बस कल्याण ही कल्याण, कल्याण ही कल्याण है। क्योंकि जो मेन है ना साधु संग ही जीवन में मेन है, साधु संग मेन, साधु संग है, है? आगे और भी अच्छी अच्छी बात उन्होंने बताएंगे, है? इसलिए कहते सैव साधु सुकृत्य मोक्ष द्वार मवावृत। इसलिए आसक्ति किसको साथ में करनी चाहिए, बोले सैव साधु सुकृत्य, साधु को साथ में ही अपना आसक्तियों को साधु को साथ में करनी चाहिए, हैं? बोले कारण क्या है, कारण क्या, इसलिए कहते हैं कि प्रैक्टिकल है और एक थियोरिकल है, हैं? एक प्रैक्टिकल और एक थियोरिकल है। हम तो सुनते हैं साधु संग करनी चाहिए, साधु संग करनी चाहिए, हम सुनते हैं, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल जब हम करेंगे ना, प्रैक्टिकल जब हम करेंगे इसका बड़ा महत्व है। जैसे देखो जैसे मंदिर में देखो, ये यहाँ एक प्रैक्टिकल है, हम सुनते हैं भैया मंगल आरती में आनी चाहिए, सुनते हैं, क्या घर में रहने पर मंगल आरती सवेरे उठकर आ सकते थे, मंगल आरती में आनी चाहिए, लेकिन अगर घर में रहते तो क्या मंगल आरती में आ सकते थे, नहीं आ सकते थे, लेकिन अभी क्यों मंगल आरती में आ रहे हैं, क्यों साधु के साथ में रह रहे हैं, साधुओं को साथ में रह रहे हैं, हैं? इसलिए साधु लोग सबके सब आते हैं, बोले भैया समय हो गया उठो, समय हो गया उठो। अगर कोई व्यक्ति अकेला रहे, हैं? अकेला रहे बड़ा कठिन है, एक दिन उठेगा, दो दिन उठेगा, तीन दिन, उसके बाद में सो जाओ ना क्या हो जाता है, सो जाओ ना और सो जाओ। लेकिन साधु के साथ में रहने पर नहीं, सब साधु उठ गए, उठो मंगल आरती का समय हो गया, उठो और कब तक सोओगे, हैं? साधु के साथ में, क्यों ये प्रैक्टिकल है, ये थियोरिकल नहीं, प्रैक्टिकल है। जो साधु के साथ में रहे सबके सब मंगल आरती में आ रहे, हम भी बस चलो मंगल आरती में चलो, पहले नहा धोकर तिलक लगा करके आ करके क्या कर रहे हैं, ठाकुर जी की संसार दावा नला लीन लोको त्राणे अकारुण्य गंध, मंगल आरती में पहले गुरुवाष्टक गाए, प्रभुपाद का वंदना गाए, उसके बाद में मंगल श्री गुरु गौर मंगल मूर्ति, मंगल श्री गुरु गौर मंगल मूर्ति, फिर ठाकुर जी का आरती हमने की। लेकिन अगर साधु के साथ में नहीं होगा ना, अगर साधु के साथ में नहीं होगा, जो घर घर में है, अरे अभी नींद पूरी नहीं होता सो जाओ ना, कौन यहाँ पर देखने वाले है, कौन बोलने वाले है। लेकिन मंदिर में क्या होता, नहीं नहीं जाएंगे तो साधु बोलेंगे, हैं? बोलेंगे आज क्यों मंगल आरती में नहीं आए, क्या हो गया, हैं? इसलिए किसी तरह से डर में हो भय में हो किसी तरह से मंगल आरती में आ जाते हैं। अभी उसके बाद में साधु लोग तुलसी परिक्रमा करते हैं, उनके बाद साथ में भी तुलसी सबके सब हरिनाम करते हैं, तो उनको देख करके भी हम भी माला लेकर के हरिनाम करना शुरू कर देते हैं, सबके सब कीर्तन में बैठते हैं, हम भी कीर्तन में बैठते हैं,
उसको बाद में फिर कथा सुनाते हैं, फिर कथा सुनते हैं, फिर हम श्लोक को भी याद कराते हैं, हाँ साधु लोग श्लोक याद कराते हैं। देखो कितने कितना बजे उठे, 4 बजे समझो उठा, कितना बजे क्लास खत्म होता है, 9 बजे। देखो यहाँ पर क्यों कह रहे हैं, साइव साधु कृत, जो संग साधु को साथ में करो, देखो 5, 6, 7, 8, 9 5 घंटा तक लगातार सवेरे से लेकर के एकदम 5 घंटा तक कंटिन्यू रूप में केवल भगवत चिंता, फिर उसका श्लोक भी याद करना है, हैं यहाँ पर बैठे हुए निगम कल्पतरु निगम कल्पतरु निगम कल्पतरु, हैं इसलिए श्लोक कर रहे हैं, जप कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर कहते साधु संग से प्रैक्टिकल रूप में होता है, प्रैक्टिकल रूप में होता है, हैं इसलिए जितने उन्नत साधु का संग होगा ना, हमारी चित्त वृत्ति भी उतना उन्नत होगा, उतना भजन भी उतना उन्नत, उतना भजन भी उतना उन्नत होगा, हैं। इसलिए जिस समय हमारे भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज रहते थे ना मथुरा मठ, हम लोग तो वहाँ रहते थे, वहाँ का जो परिवेश महाराज का समय में, वहाँ जो परिवेश था ना, सोच नहीं सकते आश्रम का क्या परिवेश, कैसे परिवेश था वहाँ की, वहाँ 3-3 टाइम हरिकथा है, फिर गुरुदेव हरिकथा बोलते थे, गुरुवर्ग का तिथि, फिर गुरुदेव श्लोक देते थे, याद करवाते थे, खड़े होकर के बुलवाया करते थे। उस समय पूरा मंदिर का जैसे कहते अगस्त मुनि, जो अगस्त मुनि जहाँ रहते थे वहाँ के आश्रम के, कहते नेउला और सांप आपस में चुंबन करते थे, हिरण है, हिरण क्या करता था, शेर की गोद में सर रख करके सोता था, है रखकर। इसलिए जब भगवान राम गए, और जब भगवान राम गए देखा वहां पर है कैसे हिरण और सिंह कैसे चुंबन कर रहे हैं, नेवला सांप कैसे खेल रहे, बोले ये कहाँ, बोले अगस्त ऋषि का आश्रम है, बोले हाँ। इसलिए कहते उनका जो भजन प्रभाव से, उनने रामायण देखे होंगे, देखा ना, उन्होंने जब दूर से देखा पूरा उनको जो आश्रम था ना, पूरा चारी तरफ में प्रकाश प्रकाश, चारी तरफ में एकदम पूरा पूरा प्रकाश, बोले भैया संत के प्रभाव ना, भजन कर रहे हैं संत प्रभाव से चारी तरफ में तो प्रकाश मान हो रहा था। इसलिए हमारे भक्ति प्रज्ञान के सब महाराज कहते थे, अगर जो शुद्ध भजन करने वाले साधु अगर कथा भी नहीं सुनाए ना, केवल उनको पास में बैठने पर ही हैं, हैं बैठने पर ही भी क्या होता है, उसको शरीर से जो भक्ति की हैं जो दिव्य प्रकाश निकलती, उससे ही मन में शांति मिल जाती, उससे ही देखो देखो जैसे हमारे बड़े गुरु जी थे भक्त नारायण गोस्वामी महाराज, भले ही आश्रम में नहीं रहते थे, विदेश में गए हुए, कहाँ गए हुए, विदेश में प्रचार करने के लिए गए महाराज जी, लेकिन जाने पर भी सब लोग शिष्य किया जाए गुरुदेव अभी है, अगर कुछ उल्टा पुल्टा करेंगे ना गुरुदेव डांट लगाए, शासन करेंगे, नहीं तो भैया गुरुदेव क्या बोलेंगे, हैं गुरुदेव क्या बोलेंगे। इसलिए गुरुदेव उधर प्रचार करने के लिए गए, लेकिन केवल चिंतन से। इसलिए उदाहरण दिया है कैसे भगवान भक्तों को कैसे गुरुदेव कैसे पालन करते, जैसे कछुआ अंडा दे देता है, अंडा दे देता है कछुआ कहाँ पर, समुद्र ऊपर में किनारे को ऊपर रेती में दे देता है अंडा, अंडा दे देते हैं, लेकिन कछुआ क्या करता है, वो चिंतन करते 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 क्या होता है, बस अपने आप अंडा फट जाती है, अंडा फट जाती है, और कछुआ कहीं नहीं जाएंगे, सीधा जाएंगे समुद्र में, और पता नहीं मैया कहाँ पर है, इधर उधर नहीं, वो सीधा कछुआ अपना माँ के पास में जाएगा चिंतन के द्वारा। चिड़िया क्या करता है, अंडा कैसे फटता है, केवल अंडा के ऊपर बैठता है, चिड़िया अंडा के ऊपर बैठता है, अब बैठते बैठते गर्म करते 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 एक दिन उसको एक दिन क्या करते, उसको बच्चे कर देता है, बच्चा जन्म हो जाता है केवल स्पर्श से, मछली बच्चा दे देता है, हैं देखकर क्या करता है मछली, केवल मछली केवल देखता है अपने बच्चों को, देखता है देखते देखते मछली अपने आप बड़े हो जाते हैं, अपने आप ही मछली बड़े हो जाते हैं, हैं। इसलिए कहते उसी तरह कहते गुरुदेव वैष्णव ठाकुर भी उसी तरह अपना भक्तों को पालन करते हैं। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं भगवान, बोले माँ अगर किसको साथ में सख्य जोड़ना, किसको साथ में प्रीति करना है ना, किसको साथ में प्रीति करना, बोले सैव साधु से करते, साधु को साथ में प्रीति करो, क्योंकि अगर हम अधम होने पर भी अगर साधु सांग में प्रीति करेंगे तो भैया हर समय हमें सचेतनाता देंगे, हरि नाम करो, समय को क्यों नष्ट करते हो,
ये जीवन अनमोल है, दोबारा ये जीवन मिलेगा नहीं। लेकिन अगर दिन भर जो स्मार्टफोन देखता है, दिन भर जो स्मार्टफोन देखता रहता है, अगर ऐसे व्यक्ति का संग करेंगे तो फिर क्या करवाएगा, बताओ क्या करेगा? ऐसे व्यक्ति को साथ में बैठोगे उठोगे? हम भी उसको देख देख करके उसको साथ में भी हम भी ऐसे बन जाएंगे फिर, हैं ऐसे बन जाएंगे। इसलिए जो संग है ना, कभी ये संग सबसे महत्वपूर्ण ये संग है। जैसे संग करेंगे हमारे रंग वैसे बदलना शुरू हो जाएगी। इसलिए भगवान कहते बोले मैया, कहते मैया प्रसंगम अजरम पास आत्मन कवय विदु सैव साधु सुकृत मोक्ष धर्म प्रवृत्त। कहते ये संग ही सबसे ज्यादा जीव को पर में प्रभाव डालता है। इसलिए मैया क्या करना, अगर कहीं आसक्ति करना है ना मैया, भक्तों को साथ में आसक्ति करो, भक्तों को साथ में बैठो उठो, बस एक दिन भक्तों के साथ में रहते रहते। इसलिए श्री नारद जी व्यास देव को कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, बोलते इतने जल्दी हमें जो भक्ति मिली तो मिली कैसे? कहते इतने जल्दी हमें जो भक्त मिल गया, भक्ति मिली, मिली कैसे? बोले मैया के बोले एक कारण है, कैसे चातुर्मास में साधु लोग कैसे आए, और मेरी मैया देखा साधु लोग जब आए ऋषि बनना शुरू हो गया, ऋषि जब बनना शुरू हो गया, मेरे मैं तो गरीब घर में जन्म हुआ था, मैया ने देखा अगर मैं साधुओं को थोड़ा सेवा कर दूं ना, मेरे को भी भोजन मिल जाएगा, मेरे बच्चे को भी खाना मिल जाएगा। इसलिए मेरी मैया केवल इसी लोभ से साधु सेवा करने लग गया। मैया जो करेगा बेटा तो वही करेगा। इसलिए मैया जो किया बच्चे भी साधु सेवा में लग गए। मैया सब्जियां मुनिया करते हैं, बच्चे भी सब्जियां मुनिया करते हैं, मैया फूल तोड़ती है ये भी करती है, मैया साफ करती है ये भी साफ करती है। बस साधु संग करते करते बास करते धीरे 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 उनका रंग भी हमारे ऊपर में धीरे 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 उनका रंग भी चढ़ना शुरू हो गया है, रंग भी चढ़ना शुरू हो गया। नारद जी कहते बोले मैया विशेष करके साधु लोग समदृष्टि होते हैं, क्या होते हैं, सबको बराबर देखते हैं। लेकिन सबको बराबर देखने पर भी मेरी मेरे ऊपर में उनका विशेष कृपा मिली मेरे ऊपर में। बोले क्यों? बोले मेरे अंदर में विशेष कर दो गुण था, दो तीन गुण मेरे अंदर में था। पहले पहला गुण क्या था? पहले पहला गुण ये था, मेरा उम्र तो कम था, 5 साल का था। जिस समय साधु लोग बैठ कर कथा करते हैं, कीर्तन करते हैं, मैं उस समय खेलता कूदता नहीं था बच्चों के साथ, मैं भी बैठ कर उनके साथ में कीर्तन करता था और बैठ कर कथा सुनता था, बैठ कर कथा सुनता। देखना अगर कोई छोटा बच्चा अगर कथा सुने ना, स्वाभाविक उसको प्रति प्रेम, भैया ये उम्र खेलने कूदने का उम्र है, हैं? अब बैठ कर कीर्तन करता है, कथा सुनता है, स्वाभाविक रूप से ना बच्चों के प्रति साधु को आदर होता है। बच्चा बड़ा अच्छा बच्चा है, ये खेलता कूदता नहीं, बैठ कर कथा सुनता। बोले दूसरा क्या गुण था? बोले ज्यादा नहीं बोलता था, ये ज्यादा बोलना भी गड़बड़ी है, ज्यादा बोलना भी गड़बड़ी। हाँ ज्यादा बोलो, अगर भगवान की कथा बोलो ठीक है, अगर भगवान की कथा नहीं बोल करके उल्टा पुल्टा अगर दिन भर भग 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 करते रहो बेकार है। और जो तीसरा गुण था, साधुओं का आदेश को पालन करता था। साधु लोग बोलते थे नारद जी जाओ तेरा फूल तोड़ कर ले आओ, ठाकुर को अर्चना होगा, भागते भागते जाता था, फूल लेकर आता था, है माला बनाता था ठाकुर को, गले में ठाकुर जी गले में माला पहनते थे। कभी केवल ये करते 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 उनका संग में रहते 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 है, रहते रहते धीरे 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 उनका संग का रंग है ना, धीरे धीरे उनका रंग भी हमारे ऊपर में चढ़ना शुरू हो गया, रंग भी चढ़ना शुरू हो गया धीरे धीरे। इसलिए कहते इतने जल्दी जो मेरे को भक्ति मिली, कहते व्यास देव केवल एक कारण से, केवल साधु का संग से मेरे को इतने जल्दी मेरे को भक्ति मिली। इसलिए भगवान यही बात कर बोले माँ सैव साधु सुकृत, संग किसकी करो, साधुओं का ही संग करो, है साधुओं का संग करो। पर यहाँ पर कहते बोले संगम खलु साधुनाम भयायांच सन्मत जत संभाषण संप्रश्न सर्वे सांग बीतनोति सम। यहाँ पर कह रहे हैं, हैं कहते हैं साधु संग वक्ता और श्रोता उभय रही अभिलषणीय, कारण साधु संग संभाषण पूर्वक जे प्रश्न करें ताहते सकल रही मंगल विस्तार है। इसलिए कह रहे हैं बोले
यहाँ पर कह रहे हैं कि ये साधु संग से ये जीवन का जो अभिलाष वा उद्देश्य साधु संग होनी चाहिए। बोले कारण क्या है? बोले कारण है साधु संग से क्या होता है, कदे वक्ता और श्रोता कदी दोनों का ही कल्याण होता है, सुनने वाले का भी कल्याण होता है और वक्ता को। इसलिए भागवत में जब दसम स्कंद प्रारंभ हो रहा है वहां पर एक श्लोक आया है, उन्होंने बताया गंगा तीन गंगा है। कितना गंगा है, क्या है, कितना गंगा? तीन गंगा है। क्या तीन गंगा कहाँ का? बोले एक स्वर्ग में गंगा है जिसका नाम मंदाकिनी, वो क्या करती है, स्वर्ग लोगों को कल्याण करती है। और एक गंगा ये मरते जगत में बहती है जिसका नाम भागीरथी, जो इसी मरते जगत को कल्याण करती है। बोले तीसरी गंगा कहाँ? बोले पाताल लोक में, जिसका नाम भोगवती है। कहती गंगा तीन गंगा, जैसे तीन गंगा तीन लोगों को कल्याण करती है, कहते कृष्ण कथा भी तीन लोगों को कल्याण करते। तीन लोग को कौन कौन है? कहते एक तो भगवान का धाम को भी कल्याण, स्वर्ग लोक को भी कल्याण है, इसी जगत का कल्याण, पाताल लोक का कल्याण, ऊपर लोक मरते जगत और पाताल लोक। इसलिए कहते इस उसी तरह जो कृष्ण कथा, कहते ये सुनने वाला का भी कल्याण कृष्ण कथा, बोलने वाला का भी कल्याण और प्रश्न करने वाले का भी कल्याण, कहते तीनों को ही ये कृष्ण कथा कल्याण करती है। लेकिन जो विषय कथा तीनों का ही अमंगल करता है, पूछने वाले का भी अमंगल, सुनने वाले का भी अमंगल और बोलने वाला का भी अमंगल, ये तीनों का ही अमंगल कृष्ण कथा करता है और सुनने कृष्ण नहीं इतर कथा करता है, लेकिन कृष्ण कथा तीनों को कल्याण करती है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं वक्ता श्रोता दोनों को ही ये साधु संग हरि कथा ये दोनों का ही कल्याण करते हैं। इसलिए क्या करनी चाहिए? बोलो तो कृष्ण कथा, सुनो तो कृष्ण कथा, है दोनों ही कृष्ण कथा सुनो। इसलिए यहाँ पर और एक श्लोक, ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक, इस श्लोक को अगर याद हो तो मुझे लगता है याद होगा, नहीं होगा तो इसको याद कर लेना। यहाँ पर कहते हैं कदि प्राचीन बहिर्प्रति, कदि श्री नारद जी साधु संघ की महिमा प्राचीन बहिर को बता रहे, कहते वो क्या श्लोक है? बोले तस्मीन महन मुखरीता मधुवी चरित्र पीयूष शेष सरित परित स्रवंती ताजे पिबंत वितृष्ण निपगाढ़ कर्णई स्थान नास्पृशंत सन त्रीड भय शोक महा। ये बहुत बढ़िया श्लोक, याद है श्लोक? याद है किसको? याद है हाथ उठा, श्लोक याद है को? शेष सरित परित श्रवंत, इसलिए इसको 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 अच्छे तरह से याद है, बहुत अच्छा श्लोक है। ये श्लोक में नारद जी साधु संघ की महिमा बता रहे हैं, हैं? चरित्र प्राय कीर्तित है, कहते ये कहते हैं कहते ये कथा कैसे बोल तस्मिन महान मुखरित मधुवी चरित, कहते हैं ये कथा किसकी मुंह से कथा हो तभी कल्याणकारी, कहते कथा सभी का मुंह से कल्याणकारी नहीं है, ये सभी से कथा तो दुनियादारी बहुत सारे लोग तो बोलते उल्टा पुल्टा लोग भी बोलते हैं, लेकिन कथा सुननी चाहिए तस्मिन महान, इसलिए साधु संग से है, इसलिए कहते हैं अवैष्णव मुखदगिर्ण पुतम हरिकथा मृतम श्रवण नैव कर्तव्य सर्पोचिष्ट यथाप्रय। दूध तो कल्याण करती है लेकिन वही दूध में जब सांप मुंह मार देती है वो दूध नहीं, वो क्या बनी जाती है, वो जहर बनी जाती है। इसलिए यहाँ पर कह रहे नारद जी कथा कहाँ से सुननी चाहिए, तस्मिन महान, कहते महत व्यक्ति की मुंह से कथा सुननी चाहिए, उनका मुंह कैसे, बोले सन्मुख रीता महान मुखरिता। देखो कहते श्री सुखदेव गोस्वामी उन्होंने 16 साल तक मुंह नहीं खोले थे, कितना साल तक जोर से बोला, 16 साल तक उन्होंने मुंह नहीं खोले थे, लेकिन जब उन्होंने मुंह खोले ना 7 दिन तक मुंह बंद ही नहीं किए, मुंह बंद ही नहीं किए 7 दिन तक कंटिन्यू 12 घंटा। हम जैसे अभी कथा सुने थोड़ी सी कथा सुने सो गए, नहीं जिस समय उन्होंने कथा सुने दिन रात मिला करके
सात दिन तो कोई पेशाब करने गए, सात दिन तो कोई भोजन नहीं किए, सात दिन तो कोई सोए नहीं है, सबके सब बैठ कर सात दिन तक कथा सुन, और उनने सात दिन तक ऐसे कथा उन्होंने सुनाते रहे है, कथा सुनाते रहे। इसलिए कहते हैं, कहते मुखरितम, मुखरितम मतलब क्या है, कथा है कथा। इसलिए भक्तिमन ठाकुर कहते हैं, यदि अन्य कथा पाओ आटिया साटिया कहो, अगर दूसरा बात मिल जाए ना, अरे हमने वहां पर इतना बड़ा सांप देखा था, बोले मैंने उससे भी बड़ा सांप देखा था, इतना बड़ा सांप था, मैंने वहां पर एक भूत देखा था, बोले मैंने 10 हाथ एक भूत देखा। अब देखो सांप भूत की कथा हो ना, अगर नींद किसका आता होगा ना, नींद चला जाएगा, नींद चली जाएगी वहां से है। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं नहीं, कहते महान मुखर मुखरिता, मुखरिता मतलब है जब साधु लोग जब कथा सुनाते हैं ना, उनको मुखरितम, जैसा इतर बात बोलने के लिए हमारे मुंह में खुजली बचती है दुनियादारी की, अगर किसकी चुगली निंदा हो तो उससे तो मीठा दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता है, वो तो सबसे जगत में सबसे ज्यादा मीठा है। इसलिए कहते जिनकी स्वभाव है, क्या स्वभाव है, कृष्ण कथा बोलने का जिनकी स्वभाव है पंचमुखे राम नाम। इसलिए आगे है, आगे श्री पृथ्वी महाराज भगवान से बोलेंगे, बोले प्रभु जी, हे प्रभु मेरे को 10,000 मुंह दे दो, कितना मुंह दे दो, 10,000 जीवा दे दो, बोले 10,000 कान दे दो, है जीवा दे दो, 10,000 मेरे को कान दे दो, बोले 10,000 कान लेकर क्या करोगे, बोले 2 कान में तुम्हारी कथा सुन करके मेरे को आनंद नहीं मिलता है, लेकिन जब 10,000 कानों से कथा सुनेंगे ना प्रभु, तभी आनंद मिलेगा। बोले 2 कान तो बढ़िया लग रहा है, अगर सारा शरीर में कान ही कान हो गया अच्छा थोड़ी लगेगा, 2 कान सुंदर, यहाँ पर 2 कान, यहाँ पर 2 कान, पूरा शरीर में कान ही कान हो जाएगा, अच्छी थोड़ी लगेगी, अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन 2 कान सुंदर लग रहा है, हैं 2 कान पूरे सारा शरीर में। बोले नहीं प्रभु जी, कान तो 2 ही हो, लेकिन दोनों कान में कृष्ण कथा सुनने की तृष्णा, मेरे को अंदर में तृष्णा हो, सुनने की व्याकुलता हो, दोनों कान में 1,000 कानों का ताकत दे दो है। दूसरा कारण है, जैसे यहाँ कथा हो रही है और भी कहीं कथा होती होगी, कहीं की कथा जिसे चुक नहीं जाए, जहाँ जहाँ जत्र जत्र कृष्ण कीर्तनम, कहते जहाँ जहाँ पर ठाकुर की कथा हो उतना स्वरूप को लेकर मैं पहुंच जाऊं, पर गदगद होकर तुम्हारी कथाओं को सुनते रहो, तुम्हारी कथाओं को बोलते रहो। इल तस्मिन महत मुखरिथाम, बोले मधुवी चरित्र, कहते आपका कथा कैसे है, कहते मधु भगवान की कथा बड़ा मीठा है, कृष्ण कथा। इसलिए श्री वल्लभाचार्य कहते हैं, क्या कहते हैं, बोले अधरंग मधुरंग बदनंग मधुर हासितंग मधुर नयनंग मधुर हृदयंग मधुर चरितंग मधुर मधुराधिपते राखिलंग मधु। कहते भगवान पूरा के पूरा भगवान मीठा ही मीठा, जिधर रसगुल्ला को जिधर खाओ ना मिठाई, कहते भगवान उसी तरह रस ही रस भगवान को अंदर में विद्यमान है। इसलिए कहते मधुवी चरित्र, कहते आपका जो कथा है बड़ा मीठा आपकी कथा है, इसलिए पीयूष शेष सरित परित श्रवंती। इसलिए कृष्ण कथा को कह रहे हैं, कहते प्रभु आपकी जो कान है, हैं कहते ये जैसे नदी जैसे बहती है, जैसे बहती है, उसी तरह आपकी कथा जो महान साधुओं के मुखार बिंद से तुम्हारी कथार भी मंदाकिनी की जो धारा बहती है, मैं क्या करूं, कहते ताजे पिबंत वितृष्ण निपगाड़ कर नहीं, कहते उन उन कथाओं को है कि कान को देखो जैसे दोड़ा जैसे बनाया, दोड़ा है ना, जैसे दोड़े से हम पीते हैं, कटोरी से पीते हैं, इसलिए भगवान ने ये कान को दोड़ा बनाया है, किस लिए दोड़ा बनाया, कहते इसमें कृष्ण कथा रस को इसमें पीते रहो है। इसलिए कहते ये कथा को जो पान करते हैं, कहते पान करने से क्या, जो निपगाड़ करनी, कहते गाढ़ करने मतलब क्या है, कहते एकदम जैसे कटोरी भर भर करके पीते हैं ना, जैसे कटोरी भर भर करके तुम पीते हैं, ऐसे कान को द्वारा कृष्ण कथा को जो
भर भर करके जो ये कथाओं को पान करते हैं, क्या होता है पान करने से, कद उन लोगों को खुदा तृष्णा भय और शोक और मोह ये स्पर्श नहीं कर सकता है, इसलिए उनको खिदा भी स्पर्श नहीं करता है। इसलिए कभी ये माधवेंद्रपुरी जी कथा में आई है, माधवेंद्रपुरी कहते माधवेंद्रपुरी अजाचक प्रीति था, किससे कोई चीज नहीं मांगते थे, जो अपने आप जो दे देते थे उसको खा लेते थे। कहते भैया जब तक तो कोई देते नहीं फिर क्या खात करते, जब कोई देते थे तब तो दे लिया, किससे वो नहीं मांगते थे, किससे नहीं मांगते थे, लेकिन जब जब कोई नहीं देते थे फिर क्या खाते थे, फिर क्या। कहते जिस समय वो कृष्ण नाम कहते ना, कृष्ण नाम सुधा करिया पान जुड़ा भक्ति विनोद प्राण, कृष्ण कथा क्या एक सुधा अमृत है, इसलिए जब वो कृष्ण नाम करते थे उससे जो अमृत निकलता उसी को ही हाँ, उसको ही पीते रहते थे, इसलिए खुदा तृष्णा हैं। इसलिए जिस समय श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज जो कथा सुना रहे थे, कथा सुनाते सुनाते जब चार दिन ही हो गया, कितना दिन हो गया, चार दिन ही हो गया, श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षा के लिए बोले परीक्षित चार चार दिन हो गया, अभी तक तुमने एक बूंद पानी भी नहीं पिया है, हाँ पानी भी नहीं पिया, इसलिए पूरा हाँ तुम बैठे हुए उतना पानी तो पी लो। कहते बोलो पानी के लिए तो जितना गड़बड़ी हुआ है, पानी पीने के लिए मैंने गया ऋषि से पानी मांगा, ऋषि ने पानी नहीं दिया और उनकी गले में हमने मृत सांप को डाल दिए और बेटाने श्रृंग ऋषि ने मेरे को अभिशाप, इसलिए ये पानी के लिए जितना गड़ी, इसलिए पानी का बात मत कहा करो। इसलिए आप जब कथा सुनाते है ना, आपका मुखार बिंदु को दर्शन करते हुए हाँ, जैसे चातक क्या करता है, चकोरा क्या करता है, चंद्रमा को किरण रूपी है, इसलिए चंद्रमा का किरण को जैसे पान करते करते तृप्त होता है, बोले आपकी मुखार बिंदु को दर्शन करते करते कृष्ण कथा सुनते सुनते मेरा मन प्राण तृप्त हो रहा है, कथा को बंद मत करो, कथा बंद करते ही मेरे को तृष्णा लगने लग जाएगी। इसलिए कहते हैं बोले खुदा तृष्णा रूप भय है, कहते उनको कोई भय भी नहीं रहता है, है? इसलिए कल सुन रहे थे ना काल चक्र डराए दिखिया, बोलो उसके बाद काल चक्र डराए दिखिया, कोई याद नहीं, इसलिए काल चक्र डराए दिखिया विष्णुदास, इसलिए दुनिया काल को दुनिया डरता है, लेकिन काल किसको डरता है, काल भक्तों को डरता है, उनको देख कर काल डर जाता है, बोले क्यों हर समय भगवान की भजन भक्ति भजन करते, इसलिए काल उनको देख करके डरता है। इसलिए हरिदास ठाकुर को जिस समय ले जा रहे थे, बोले राजा क्या क्या भाई, उसको काल को भी डर नहीं उनकी, उसे राजा क्या बिगड़े, उसको पूर्ण विश्वास है ना कि राजा मेरा क्या कर लेगा, काल को भी डर नहीं, क्यों जा कर के साइया मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जो जगह पैर हुई, इसलिए भगवान जिनको रक्षा करते दुनिया में उसको कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकते, कोई कुछ बिगाड़, देखो ऐसे शरणागति होगा तो भी निर्भय होगा, बोलने पर नहीं होगा, ऐसे शरणागति होनी चाहिए। इसलिए कहते शोक मोह भय हैं, शोक मतलब होता है रोना, मोह मतलब मोह, कहते जो हर समय भगवान की शुद्ध भक्तों के मुखार में जैसे कृष्ण कथा सुन करके जो भजन करते हैं उनको क्या होता है, कोई खुदा तृष्णा भय शोक मोह उनको कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। इसलिए यहाँ पर भगवान कपिल देव कहते मैया जीवन में क्या करो, जीवन में साधु संग करो, भक्तों की संग कर, केवल भक्त संग से ही जीविका कल्याण है, उससे ही केवल जीविका मंगल है। बोले श्री साधु संग की, बोले श्री हरिनाम संकीर्तन की, सपार्षद गौर हरि की, निताय गौर ब्रह्मानंदे, जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुधर। दिखा तो सब लोग कितना बढ़िया ठाकुर जी ये पहने कपड़े पहने, किसने पकड़े पहना, पगड़ी किसने बनाया, वाह वाह रे, बोल दो आज पगड़ी किसने बनाया, तमाल कृष्ण महाराज की, दिखा दो ठाकुर बड़ा करके पास में लेकर के, बोला आज देखो ठाकुर का श्रृंगार, देखो कितने बढ़िया ठाकुर का श्रृंगार है, हरे कृष्ण, हाँ सबके सब हाथ ताली दे करके कीर्तन करो और जगन्नाथ जी से प्रार्थना करो, जगन्नाथ जी आप कृपा करो, हाँ कौन है बातिया बातिया हंसे पर कोई कहते लोग हाँ, हाँ
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna
हरि गो 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 हरि
प्रेम से कौशल की संचालन प्रभु नित्यानंद सरस्वती तथा